Hello student, this is RPS classes Sonpur. Aaj hum log class 11th ke chapter 9 ka miscellaneous question ka solution dekhenge. Question 1 aur 2 ka. आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन 1, सो दैट द सम ऑफ m plus nth टर्म एंड m minus nth टर्म ऑफ एन ap इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म. तो स्टूडेंट इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि m plus nth टर्म और m minus nth टर्म में जो भी आएगा उसको अगर हम ऐड कर दें तो वो mth टर्म में जो भी आता है उसका दुगना हो जाता है. तो आइए जल्दी से देख लेते हैं. तो लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी. तो हम इसको मान लेते हैं कि ए और डी जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उस एपी का. तो उस तरीके से हमने देखा कि एम प्लस एंथ टर्म जो है ए एम प्लस एन और हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो यहाँ पे देखिए ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस एम प्लस एन, एन की जगह एम प्लस एन है इस एन की जगह, तो एन प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया. वैसे ही एम माइनस एंथ टर्म में देखते हैं ए एम माइनस एन, ए फर्स्ट टर्म प्लस एम माइनस एन माइनस वन एन की जगह पर, यहाँ पे एन की जगह पर एम माइनस वन है तो एम माइनस वन माइनस वन डी, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. फिर देखते हैं स्टूडेंट अब एम्थ टर्म हमको निकालना था, क्वेश्चन में दिया हुआ एम्थ टर्म भी, तो एम टर्म को देखते हैं ए एम ए प्लस एम माइनस वन डी, एन की जगह यहाँ पे एम है तो इसलिए एम माइनस वन डी हो गया. तो अब स्टूडेंट हमको प्रूव करना है ए एम प्लस एन यानी कि एम प्लस एनवा टर्म और एम माइनस एनवे टर्म को हमको ऐड कर देना है. तो वैसे ही हमको ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम. तो ये एल एच एस से हम लोग करते हैं इसको, ये एल एच एस हमारा है तो यहाँ पे एल एच एस हमने नोट कर लिया. अब ए एम प्लस एन, ए एम प्लस एन की जगह पर हमारा ये ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी है तो यहाँ पे हमने a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी लिख लिया और प्लस a प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी, ये हमने नोट कर लिया. अब ये देखिए स्टूडेंट ये a और ये a, दो a हो गया सॉरी टू a हमने लिख लिया. फिर d से मल्टीप्लाई किया हमने एम डी प्लस एन डी माइनस डी, यहां पे डी से हमने मल्टीप्लाई किया एम डी माइनस एन डी माइनस डी. यहां पे देखिए स्टूडेंट एन प्लस एन डी जो है पॉजिटिव में, यहां पे एन डी निगेटिव में है तो ये कैंसिल हो गया. अब यहां पे टू ए प्लस एम डी और एम डी, यहां पे टू एम डी हो गया जब एड किए तो, और ये माइनस डी और माइनस डी माइनस टू डी हो गया. यहाँ पे टू ए वैसे ही छोड़ दिया हमने और दोनों में टू इसलिए टू कॉमन ले लिया तो एम और इधर डी भी कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया और डी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एम बच गया और यहाँ पे माइनस वन बच गया तो टू एम माइनस वन डी. यहाँ पे टू दोनों में इसलिए टू कॉमन ले लिया तो ए प्लस एम माइनस वन डी. और ये जो स्टूडेंट हमारा है ये ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी के बराबर है तो ये हो गया और ये ट्वाइस है इसका. तो हम कह सकते हैं कि ए एम प्लस एन और एम माइनस वन वे टर्म में जो आ रहा है उनको ऐड करने पर ये एम वे टर्म में जो आ रहा है उसका ट्वाइस है. तो इस तरीके से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया हमारा. आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज
440, फाइंड द नंबर्स। तो उसी तरीके से लेट द नंबर बी ए माइनस डी ए ए प्लस डी। हम मान लेते हैं स्टूडेंट, जब अगर हमको तीन नंबर पता करने होते हैं तो हम इसको इसी टर्म में मान लेते हैं, है ना, ए माइनस डी डी और ए प्लस डी, चूंकि ए पी है ये तो ए पी में है, तो कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। तो दूसरे टर्म में से अगर हम पहले टर्म को माइनस करेंगे तो जो आएगा वही तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करेंगे वो आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दूसरे टर्म में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो डी आता है, वैसे ही तीसरे टर्म में से अगर हम दूसरे टर्म को माइनस करते हैं तो भी डी आता है। तो ये इसलिए हमने इसको ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हमने मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 24, तो ये तीन नंबर हमारे पास हैं ए माइनस डी ए ए प्लस डी, तो इन तीनों को हमने ऐड किया, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी और 24 आना चाहिए। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक ए यहाँ पे एक ए और यहाँ पे एक है, तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 28 और 3 से 24 जो है 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8, a इज इक्वल टू 8। अगेन गिवन दैट, दोबारा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, तो देयर प्रोडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट, इन्हीं तीन नंबरों का प्रोडक्ट a माइनस डी ए और a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी ए और ए प्लस डी का प्रोडक्ट 440 है, तो हमने उसको लिख लिया। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्टूडेंट यहाँ वाला ये ए है वो हमने आगे लिख दिया, यहाँ पे ए ये हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। ए से फिर मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा पीछे आया हुआ है ए का वैल्यू 8, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी स्टूडेंट, तो 8 का क्यूब माइनस 8 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। दोनों में से स्टूडेंट हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 हमने कॉमन ले लिया, तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। इस 8 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 55 बार में कैंसिल हो गया, तो 55 हो गया, 8 जा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, माइनस डी स्क्वायर इधर और 64 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे रूट होगा, तो ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस होगा। अगर डी पॉजिटिव, डी इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 लेते हैं, अगर पॉजिटिव लेते हैं डी की वैल्यू, तो देन नंबर्स आर 5, तो पहले ए है, ए माइनस डी हमारे पास नंबर क्या है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है हमारे पास, यही नंबर हमारे पीछे हमने माना था ये नंबर, तो ए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8, 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे ए में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर ए लिखेंगे तो ए का 8 है और ए प्लस डी यानी कि 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 होगा, और अगर माइनस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं डी का वैल्यू, तो माइनस 3 हो गया, तो ए माइनस डी यानी कि 8 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया और ए की वैल्यू 8 हो गई हमारे पास स्टूडेंट, ए प्लस माइनस 3, तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 11 8 और 5, तो वही 11 8 और 5 हो गया हमारे पास स्टूडेंट, और इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट हमने देखा आज मिसलेनियस का नाइन्थ चैप्टर का 9वें अध्याय का हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।